जनपद की ग्राम पंचायत कराहाल में ग्राम विकास की अलग ही तस्वीर दिखाई दी। पंचायत में व्याप्त गंदगी जहां स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रही है, वहीं विकास के नाम पर किए गए निर्माण ग्राम विकास की पोल खोल रहे हैं। वहीं इन दिनों पीने के पानी को लेकर ग्राम पंचायत में हाहाकार मचा है, जहां ग्राम पंचायत के आचार के सहराने में लोग निजी बोर्ड से पैसा देकर पानी खरीद रहे हैं। जी हां, इतना ही नहीं, पीने के पानी को लेकर लगी लंबी लाइन के चलते लोगों को रात रात भर जाकर पानी भरना पड़ रहा है। जबकि जनपद मुख्यालय की ग्राम पंचायत होने के बाद भी ग्राम पंचायत में लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान बने हुए हैं। ऐसे में जनपद कराहाल की अन्य ग्राम पंचायतों में क्या हाल होगा, यह जनपद मुख्यालय की ग्राम पंचायत कराहाल के विकास को देखकर लगाया जा सकता है। जहां जनपद मुख्यालय की ग्राम पंचायत कराहाल में विकास के नाम पर कैसा विनाश किया गया है, यह सरपंच से पूछे गए सवालों के जवाब से स्पष्ट हो जाता है। जहां विकास को लेकर मीडिया द्वारा बंजारा बस्ती में लगे हैंडपंप में मोटर डाले जाने को लेकर जब कराहाल सरपंच से प्रश्न किया गया तो बौखलाए सरपंच ने कहा कि तुमने हैंडपंप में घुसकर देखा है कि उसमें पानी है। वही कहा कि जो हमारे पास आते हैं उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं, तुम्हारे पास आने वालों की तुम जानो, ऐसे में कैसे विकास संभव है। अधीनस्थ अधिकारी ध्यान दे तो लोगों को परेशानी से मुक्ति मिले। ना पानी मिल रहा, मैं ना कुछ भी नहीं आ रहा है। कितने दूर से पानी लेके आती हो आप? पानी पानी ला रहा है। जब पैसों से पानी लेके आ रहे हो? अच्छा, और कोई बराबर भी नहीं दिन दे पानी ला रहा है। कितने रुपए में मिलता है पानी? 5 रुपया की एक खेती, 2.5 रुपया की। ये लोग परेशान हैं। आप कब से नहीं गए हो अचार वाले? कब से नहीं गए हो? कहाँ परेशानी है? कहाँ पे परेशानी दिख रही है? परेशानी अभी आपके सामने लोग आने वाले हैं। कौन से लोग आ रहे हैं? कहाँ के लोग आ रहे हैं? आपके सामने लोग आएंगे। आपने देखा है कि पानी की समस्या है? समस्या है वो, हम मीडिया चला रहे हो आप लोग और फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। आप देख भी करे मौका जा क्या पानी की समस्या है? आपकी वीडियो पहले आपने डाली थी, हमने पहले ही सोचा कल परसों हमने व्यवस्था कर दी उन लोगों। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें आपने एक जगह के लिए मोटर दी है और अभी यहाँ पर अभी दो लोग आए थे, वो मोटर के लिए खड़े थे सुबह से। आपके द्वारा बोला गया कि शाम के समय आपको उपलब्ध करवाएंगे, अब ऐसा क्या है कि मतलब वो लोग फिर शाम के समय? यहाँ जो आया वो समस्या हो गई, लेकिन आपके लोगों के यहाँ आ रहा होगा तो वो आप कह रहे होंगे परवारे, तो हमें कुछ पता नहीं। जो समस्या आएगी पंचायत में आएगी, हम निपटाएंगे। यहाँ आप लोगों के यहाँ पास आ रही होगी बनावटी को, हम नहीं समझते उनका, ये पता नहीं है। हमें तो समस्या हम स्वयं देखते हैं, जनता आती है तत्काल निराकरण होता है। सरपंच साहब, आपसे हम यह और जानना चाहते हैं, करहाल के बड़े तालाब के पास जहाँ की विगत आपके द्वारा ही एक वर्ष पहले एक हैडपंप का आपके द्वारा लगवाया गया था, वो जहाँ पर वो बंजारा बस्ती है, करीब करीब 1000 लोग निवास करते हैं, उससे पहले भी एक आदिवासी बस्ती है शिव कॉलोनी, वो लोग करहाल में पानी भरते हैं, और उसके बाद एक गुर्जर बस्ती है बड़े तालाब पर, जो गुर्जर के द्वारा एक मोटर डाली गई है, वहाँ पर एक मोटर डली हुई थी जिसको निकाल लिया गया, 3 फेज की मोटर थी, उसने अपना प्राइवेट मोटर डाल के वो खुद लोगों को पानी भरवाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? पानी उसकी हमने कनेक्शन की और उसकी व्यवस्था कर दी हमने जी, वो और जिस जो भी होगा उसका मतलब मोटर का जो भी लगाना, हमारे पास जब तक पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया उसका पैसा दे देंगे हम बंधक कर। बिल्कुल जी, और जो बंजारा बस्ती पर जो हैडपम्प है उसका क्या समाधान होगा? उसमें आप घुस के देखे आए क्या? हैडपम्प है अंदर बोर में जाकर के देखे आए उसका वाटर लेवल है पूरा? आप मेरी बात सुनिए, उसमें पानी नहीं है। आप सुनिए, हमने पीएचई वालों से दिखवाया उसमें पानी नहीं है, उसमें अभी कुछ भी नहीं दिखवाया गया है, वहाँ पर अभी प्रेजेंट पानी है, और आप अगर उसको चला के देखते हो तो पानी है, लेकिन पब्लिक इसलिए पानी को उसमें से नहीं निकाल सकती क्योंकि वाटर जब लाइन हैडपम्प की ज्यादा है तो लोग चलाते हैं, वो पानी निकल नहीं पाता है, इतना प्रेशर है। अब आप इसमें बताइए, अगर आपके द्वारा निराकरण हो, अगर उसमें भेजा जाए मोटर डलवा जाए तो उसके अंदर पानी निकलेगा? पानी हमको पीएचई वालों ने लिख के दे दिया है कि आपके पास पानी नहीं है, उसमें पानी पर्याप्त नहीं है, पानी आ जाएगा बरसात होने पर जब आप मोटर डाल देना, बस ये बात हुई, हमने पहले चेक करवाया। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मोल का पानी कितने दूर से लेके आते हो? मोल का पानी देखा मिलता है छेड़ता कट्टी न ले लेकर, कोई के मन पसंद होता है तो दे देता है, नहीं भरा तो फिर आता है पैसा से। तो कितने दिनों से पैसे से पानी लेके पी रहे हो आप? 4 महीना हो गया ना, तो पूरे तो चार बजे जो लगवाए थे। सरपंच साहब को अवगत कराया? सरपंच साहब आए कभी यहाँ पर?
सरपंच आया कभी? बने तब से आए कोई नहीं आया सरपंच हमरे मोहल्ला में होते तो जे से डरे रहते का कोई आए नहीं है ना हमारे मोहल्ला में कई कॉलोनी कोई के कोई गटा प्राता कोई कह नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है यो मोहल्ला में। कौन सा मोहल्ला है? यीशु का खारो है। गायत्री जी अभी रात के आप 9:30 बजे पानी भर रही हो, ऐसा क्या कारण है कि रात के 9:30 बजे आप आती हो और क्या कारण है कि आपको पैसा देना पड़ता है लोगों को पानी भरने के लिए? तो पैसा आपको मतलब किसी व्यक्ति के पास जहाँ से आप भरती हो तो मतलब उनको पैसा देना पड़ता है आपको? कितना पैसा देना पड़ता है आपको? मतलब 5 रुपये एक किट्टी का आपको देना पड़ता है। अगर आपने 20 किट्टी वहाँ से भरा 100 रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। ऐसे आपके साथ में कई लोग हैं, मतलब आप ही नहीं हो, ऐसे आपके साथ ये अम्मा भी हैं, ये भी देखो इनकी उम्र करीब 70 वर्ष है, इसके बाद भी रात के 10 बजे पानी भर के लेके आ रही हैं। और आपको मतलब ये समस्या होती है, रात के समय भी आपको पानी भरना पड़ता है। अभी ये हरी सिंह हैं बंजारे जो कि आपकी क्या मदद करते हैं आप ये बताइए मुझे। जब हम पैसा दे रहे हैं तो यही पानी पिला रहे हैं हम खाली। ये आपको फ्री में पानी उपलब्ध करवाते हैं? फ्री में, फ्री में रात के 12:00, 11:00, 10:00 हमारी पानी की व्यवस्था यही कर रहे हैं। देखिए मैं आपकी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहां सभी लोगों की मदद की जाए। आप इन्हें भी दे सकते हो, ये भी रात के 10 बजे पानी भर रही है और ये सभी लोग बहुत परेशान हैं। घर पे अभी खाना बनाए कि क्या काम करें कि पानी भरें, और लाइन में लग के इनको पानी भरना पड़ता है। वो 5 रुपये किट्टी के हिसाब से ये पानी भरती हैं। अब आप देखिए करहाल में प्रशासन कितना मौन है। करहाल